नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर आदिवासियों परिवारों ने विस्थापन की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चेटी खेड़ा बांध परियोजना में डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम चेटी खेड़ा एवं सिसपुरा दनपुरा के आदिवासी परिवारों ने विस्थापन की मांग को लेकर कलेक्टरेट पर प्रदर्शन कर विस्थापन की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम चेटी खेड़ा एवं सीशपुरा दनपुरा के आदिवासी परिवारों की जमीन एवं घर मकान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसी हमें जानकारी मिली है कि शासन द्वारा चेटी खेड़ा गाँव पर बांध स्वीकृत कर दिया गया है, इसलिए डूब क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक आदिवासी परिवारों को खेती के लिए जमीन और रहने के लिए मकान और पूर्ण रूप से हमारा विस्थापन किया जावे। उन्होंने कहा कि शासन यदि हमारी मांगे स्वीकार करता है तो हम सभी आदिवासी परिवार आभारी रहेंगे। प्रत्येक परिवार को 2 हेक्टेयर जमीन दी जाए। साथ ही बताया कि ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से चेटी खेड़ा परियोजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को जमीन एवं मकान का लाभ दिए जाने की चर्चा ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा की गई। साथ ही ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव ठहराव पारित कर अनुमोदन भी किया गया, जिसको लेकर चेटी खेड़ा बांध परियोजना डूब क्षेत्र में आ रहे आदिवासी परिवारों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर विस्थापित किए जाने की मांग रखी है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। किस मामले में आपने आवेदन दिया है सर, और आपकी क्या मांग है? हमारे ये सभी चेटी खेड़ा डैम जो शासन ने किसानों की और गरीब मजदूरों की सबकी सहायता के लिए चेटी खेड़ा डैम की जो स्थापना की जा रही है, वहाँ के जो विस्थापित लोग हैं ये जिनको अपने जीवन यापन के लिए अन्य जगह बसाने के लिए सरकार ने योजना बनाई है, अभी ये जिनका इनकी मुख्य मांग ये है कि जहाँ जिस स्थान के लिए चयनित किया जा रहा है वो स्थान उपजाऊ नहीं है, वहाँ अपना जीवन यापन या अपने खेती करके उचित रूप से नहीं कर सकते हैं। ये सभी लोग जहाँ मांग करना चाह रहे हैं वो डोंगरपुर, पराकाष्ठा और इकडोरी, ये सभी रघुनाथपुर ग्राम पंचायत में आता है। वहाँ एक उपजाऊ जमीन भी है, क्षेत्र भी है, जहाँ अपने अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण आसानी से कर सकते हैं। आज जहाँ इनको जो जमीन दिखाई जा रही है वो ग्राम पंचायत पिपरवास क्षेत्र में दिखाई जा रही है, जो कि वहाँ उपजाऊ जमीन नहीं है। साथ ही पथरीली जमीन होने के कारण ये अपने बच्चों का भरण पोषण आसानी से नहीं कर सकते हैं। दूसरी इनकी हमारे ये मांग है साथ ही कि एक परिवार को भरण पोषण के लिए कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जा सके, जिससे अपने अपने परिवार का जीवन यापन क्यों कर सके, क्योंकि सभी लोग ये आदिवासी और गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अपना भरण पोषण जो कृषि पर ही आधारित है, अगर इनको उपजाऊ जमीन दे दी जाएगी तो अपना पूरे परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकेंगे। उसी को लेकर आज कलेक्टर महोदय को इन्हें ज्ञापन भी दिया हमने, और आज सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर उन्हें इसी चीज़ की अनुरोध करने के लिए आए हैं कि महोदय इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। गरीब लोगों का अपना भरण पोषण जीवन इसी खेती से करना है, और इसके लिए आज श्रीमान के सम्मुख उपस्थित होकर ये चर्चा करना चाहते हैं।